हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास टेंथ वालों के लिए यहाँ पे सोशल साइंस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट पेपर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है लेटेस्ट मॉडल सेट पर आधारित है। दोस्तों, 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जिसमें से आपको सिर्फ 40 का जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का आगे कोई भी सब्जेक्ट का हम वीडियो लेकर आप सभी छात्रों के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और अभी ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, जल्द ही इस पर सब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा। अगर चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे डालूंगा दोस्तों, मॉडल सेट पेपर का। वहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल सेट पेपर उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और वेबसाइट पर जाकर भी आप लोग काफ़ी सब्जेक्ट का जो है वहाँ पे आ चुका है और तैयारी भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों, वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के काल में यहाँ पे बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो एक का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दो है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। 10 घंटे का जो आंदोलन चला था वो चला था आपका इंग्लैंड में। सही उत्तर आपका दो का ए हो जाएगा। ठीक है, 10 घंटे का आंदोलन चला था कहाँ, इंग्लैंड में, ये याद रखिएगा। देखिए, तीन नंबर है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया, तो ये किया गया आपका बैरोन हाउसमान का। ठीक है, बैरोन हाउसमान का, तो राइट आंसर आपका तीन का सी हो जाएगा। यहाँ पे चौथा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। तो पश्मीना ऊन जो है वो बनाया जाता है दोस्तों आपका भेड़ जानवर के रोए से, मतलब उसका जो रोया होता है दोस्तों उससे ऊन बनाया जाता है पश्मीना ऊन। तो राइट आंसर आपका चार का यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है। तो कांडला पतन जो है दोस्तों वो राज्य का नाम है गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य में कांडला पतन बंदरगाह बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका पाँच का सी हो जाएगा। छः नंबर है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। तो पूरे इंडिया में दोस्तों कितने हैं, 17 रेलवे जोन है, उसमें से हाजीपुर में भी एक यहाँ पे मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर, ये भी पूछा जाता है, न कि पटना मार देना, ये हाजीपुर में मतलब है। ठीक है, सात नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ। तो भारत में जो दल बदल कानून जो लागू हुआ वो हुआ 1985 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका सात का सी हो जाएगा। आठ नंबर है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है दोस्तों वो है अपना भारत। ठीक है, लोकतंत्र का देश है, तो यहाँ पे आठ का सी हो जाएगा। नौ नंबर है आपका कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती हो। तो मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है, मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की जो यह परिभाषा किसने दी है, तो ये दिया है हॉटले विदर्स ने। ठीक है, तो राइट आंसर आपका नौ का सी हो जाएगा, हॉटले विदर्स। दस नंबर है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1982 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 10 का डी हो जाएगा, 1982। 11 है दोस्तों कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो गार्डन सिटी की जो अवधारणा थी दोस्तों वो विकसित किया था आपका एवजेनर हावर्ड। ठीक है, एवजेनर हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो ये एवनेजर हावर्ड ने। ठीक है, 12 नंबर है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका जर्मनी में। ठीक है, और हिटलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के थे। राइट आंसर आपका 12 का यहाँ पे बी हो जाएगा, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। 13 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था, यानी कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों उसका नाम था WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी नाम था। तो राइट आंसर आपका 13 का बी हो जाएगा। 14 है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दास कैपिटल की जो रचना किया था दोस्तों वो किया था कार्ल मार्क्स ने। तो राइट आंसर आपका 14 का डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर के, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वो किया था बिस्मार्क ने, ठीक है। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 15 का सी हो जाएगा। 16 है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी जो पेशे से था दोस्तों वो था आपका नाविक, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, मतलब काम क्या करते थे, तो नाव चलाते थे, नाविक थे। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में जो कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ दोस्तों वो हुआ था आपका 1861 ईस्वी में, ठीक है। 17 का यहाँ पे ए हो जाएगा 1861। फिर 18 है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर में हर बार पूछा जाता है दोस्तों कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। तो ये लिखा है आपका दोस्तों फान बोई चौ ने, ठीक है। फान बोई चौ लेखक है ये, ठीक है, वियतनाम के ही, जिन्होंने इसकी भूमिका में जो है वियतनाम द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा है, ठीक है। 19 है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लाहौर कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन में हुआ था वो 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो AITUC का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों वो बनाया गया है लाला लाजपत राय को, ठीक है। जहाँ पे साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था लाला लाजपत राय, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी लाठी से पीट पीट कर, अंग्रेजों ने इसको मार दिया था, ठीक है। 21 है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का जो है दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। तो राइट आंसर आपका 21 का बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 22 नंबर है, बोला जाए कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत के जो मध्य प्रदेश राज्य है दोस्तों MP, जहाँ पे वन का जो है सबसे अधिक विस्तार है। तो राइट आंसर आपका 22 का सी हो जाएगा। 23 है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो खनिज तेल का जो विशाल भंडार है दोस्तों वो है आपका असम राज्य में, ठीक है। तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो वो हो जाएगा असम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डिगबोई में जहाँ से तेल आता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। उपभोक्ता उद्योग जो है यहाँ पे दोस्तों कौन है, वो है चीनी उद्योग, ठीक है, जिसको खाते हैं। देखिए चितरंजन लोकोमोटिव, पेट्रोल रसायन, लौह अयस्क, ये सभी जो है देख रहे हैं किसी और तरह का यहाँ पे उद्योग है, फैक्ट्री है, लेकिन चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। 25 है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कों को बांटा गया है वो बांटा गया 4 भागों में। तो राइट आंसर आपका 25 का ए हो जाएगा यहाँ पे। 26 है दोस्तों कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान जो है वो है दरभंगा जिले में स्थित, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 26 का बी हो जाएगा, बिहार के दरभंगा में। 27 है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर का नाम है दोस्तों, ठीक है, वो है आपका बिहार का पटना में, ठीक है, राजधानी पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान। नेक्स्ट है 28 की, 2001 में बिहार की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी? तो 2001 में जो बिहार की जनसंख्या थी दोस्तों वो था आपका 8 करोड़ से थोड़ा अधिक, ठीक है। अभी तो 12 करोड़ हो गया है, लेकिन 2001 में जो बिहार की जनसंख्या थी वो था 8 करोड़ से अधिक था, ठीक है। 29 है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए जो हैस्यूर विधि का विकास किया था दोस्तों वो किया था आपका लेहमान ने, ठीक है। तो 25 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लेहमान। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग जो करता है वह है आपका सीमेंट, ठीक है। सीमेंट उद्योग में जो है चूना पत्थर को लाया जाता है कच्चे माल के रूप में।
31 है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो वह है आपका पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, किस व्यवस्था में है ये संस्था, तो यह है पंचायती राज व्यवस्था में। तो राइट आंसर आपका 31 का डी हो जाएगा। 32 है कि लोकसभा में जो निर्वाचन हेतु कुल सीटों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो जो है दोस्तों 543 है, लेकिन आपको बढ़ के अभी 545 हो गया है। ठीक है, तो 543 भी आप लोग यहाँ पे राइट आंसर मार सकते हो। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की जो संख्या है वो है 543। ठीक है, अगर बोलेगा अधिकतम सीटों की संख्या तब हो जाएगा आपको 545। अगर सिर्फ आपको कुल सीटों पूछा जाए निर्वाचन हेतु, तो वो 543 मारना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 33 नंबर। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे दोस्तों, उसका नाम था महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, ये था भारतीय किसान यूनियन के नेता। तो राइट आंसर आपका 33 का सी हो जाएगा। 34 है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। राजनीतिक दल जानते होंगे जिससे यहाँ पे चुनाव जो होता है दोस्तों, बड़े बड़े पार्टी, उसी को राजनीतिक दल बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी और राजनीतिक दल अलग अलग होता है। तो राजनीतिक दलों की जो नींव जो सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, वो पड़ा था ब्रिटेन में। ठीक है, इंग्लैंड में पड़ा था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 34 का ए हो जाएगा। 35 है कि किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, किसके फैसलों में। तो ये जो फैसला है दोस्तों, गैर लोकतांत्रिक फैसला में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता जो है ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 का सी हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक देशों में फैसलों में। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस वो जो करता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 36 का बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। 37 है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अब हटा दिया गया है विशेष राज दर्जा, लेकिन फिलहाल जो है इस क्वेश्चन के अनुसार जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। 38 है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सूचना के जो अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, वो होता आपका राजस्थान से। ठीक है, सबसे पहले तो ये राइट आंसर है, बहुत बार पूछा जा चुका है सूचना के अधिकार आंदोलन के रूप में राजस्थान। 39 है कि बिहार के किस जिले का प्रति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के जो है वो जिला कौन सा है जिसका आय सर्वाधिक है, वो है आपका पटना। पटना ही एकमात्र ऐसा जिला है बिहार का जहाँ पे आपको प्रति आय सर्वाधिक है। 40 है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है दोस्तों, वो है आपका 4। ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, आपका यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट है 41 नंबर कि सर्व स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जिस मान्यता का यहाँ पे चिन्ह का होना आवश्यक है, उसका नाम है हॉलमार्क। तो जानते होंगे हॉलमार्क ज्वेलरी लिखा रहता है दोस्तों आप लोगों के कहीं कहीं। ठीक है, तो यही है हॉलमार्क। 42 है कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, किसने अपनाई थी फूट डालो राज करो की नीति, ये अपनाया था दोस्तों आपका अंग्रेजों ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, 43 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 44 है कि साख का क्या अर्थ होता है। तो साख का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे राइट आंसर 44 का सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर की बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। बांग्लादेश के व्यक्ति जो है, जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उसका नाम यहाँ पे बोला जा रहा है, बताना है कि यहाँ पे प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ठीक है, इसी को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया है बांग्लादेश में। 46 है कि भारत में सेवा क्षेत्र को समय तक कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सेवा क्षेत्र को जो बांटा गया है दोस्तों, वो भारत में बांटा गया दो दो प्रकार से। ठीक है, दो भागों में। नेक्स्ट है 47 नंबर कि WTO का विस्तारित रूप क्या है। तो WTO का जो विस्तारित रूप है दोस्तों, वो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। तो यहाँ पे WTO का
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बी राइट आंसर है। फिर देखते हैं दोस्तों 48 नंबर कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा जो है वो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, अपने आप हो जाता है, न किसी आदमी के द्वारा ये नहीं होता है, तो ये प्राकृतिक आपदा के रूप में आता है। यहाँ पे हम लोग दोस्तों 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है, आप सभी एग्जामों के लिए जो 10th एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो था। यहाँ पे 48 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन का जवाब आना ही चाहिए था ताकि आप 40 में 40 नंबर हासिल कर कर आ सको, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव किया गया आप लोगों के बोर्ड परीक्षा बिहार में। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। अगर इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है, मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मोलस रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वेबसाइट पर विजिट कीजिए।